दोस्तों आपका स्वागत है अपना चैनल जीएस स्पार्क में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं पीएच वैल्यू के बारे में, जो आपके रेलवे से टॉपिक महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बन रहे थे। जैसे लोको पायलट का पेपर हो रहा था बीच में, और इसके बाद आरआरबी जे का पेपर हुआ था, इससे स्टूडेंट हमारे बता रहे थे कि पीएच वैल्यू से आ रहे थे। इसका नेक्स्ट आपका जो एग्जाम है एनटीपीसी का, तो उससे प्रश्न आएंगे। जैसे प्रश्न क्या आ रहा था, जैसे प्रश्न आ रहा था कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, आप बताएंगे 7.4, और नींबू का पीएच मान कितना होता है 2.4। इसके बाद प्रश्न बनते हैं कि दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4। तो ऐसे प्रश्न आ रहे थे, तो आपको ट्रिक बताएंगे, आप इजीली कर जाएंगे, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखे रहेगा। पहले पीएच की मान के वैल्यू की बात करते हैं। तो पीएच होता क्या है, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। नोट कर लीजिए क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद पीएच की खोज किसने की थी, सबसे पहले प्रश्न उठता है पीएच की खोज, तो आप बताएंगे एसपी सोरेंस ने पीएच की खोज की थी। देखिए मैंने पीएच का फुल फॉर्म बताया पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और पीएच की खोज किसने की थी, एसपी सोरेंस ने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पीएच का स्केल कहां कहां से होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पीएच का जो स्केल होता है 1 से लेकर 14 तक होता है। इसके बाद 1 से जो 7 तक होता है वो एसिड होता है, और 7 क्या होता है, उदासीन होता है, और 7 से लेकर 14 तक जो होता है आपका बेस होता है। इससे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है, पहला है जल है, दूसरा नमक है, और तीसरा रक्त है, चौथा आंसू है, और पांचवा मानव लार है, और छठवा दूध है, और नेक्स्ट आपका सिरका, और नेक्स्ट आपका शराब, नेक्स्ट है नींबू, और नेक्स्ट समुद्र जल और मानव मूत्र। तो आपको ट्रिक बताएंगे, आप इजली कर जाएंगे। पहले बात कर रहे हैं हम जल की, जल को कैसे याद करेंगे, सबको पता है जल का पीएच मान 7 होता है। जल का पीएच मान 7 होता है, इसको याद करने का ट्रिक बहुत सिंपल है। हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, जल को 7 दिन ग्रहण करना चाहिए। यानी हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हम जल को क्या करते हैं, 7 दिन ग्रहण करते हैं, जल के बिना रह नहीं सकते। तो इसे लिंक करके याद कर सकते हैं जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट आपका नमक, नमक का भी ट्रिक क्या सेम है, वही है, यानी नमक के बिना हम रह नहीं सकते। नमक हम हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन क्या करते हैं, नमक को ग्रहण करते हैं, यानी नमक का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इसके बाद नेक्स्ट है रक्त, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आपके आरआरबी जेई में और लोको पायलट में, रेलवे ने कई बार पूछा है, और आईपीसीएस में भी कई बार पूछा है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे याद करेंगे, हमको हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और हमको साल में 7 डेज रक्त का 7.4, हमको हफ्ते में 7 दिन क्या करना चाहिए, ब्लड डोनेट करना चाहिए साल में, यानी हमको 4 बार कैंप लगाना चाहिए हफ्ते में रक्त का, ब्लड डोनेट करने का, और 7 दिन क्या करना चाहिए, रक्त देना चाहिए। यानी 7.4 क्या होते हैं, रक्त का पीएच मान होते हैं, इससे लिंक करके याद कर सकते हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आंसू का पीएच मान कितना होता है, इसका भी सेम है 7.4, आंसू का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। कैसे याद करेंगे, जैसे कोई घटना होती है, कोई विवाद होता है, कोई चीजें होती है, तो लोग रोते हैं, तो सच्चे रोते हैं, झूठा नहीं रोते हैं, आपको पता है सच्चे रोते हैं, तो सच्चे से क्या हो जाएगा, सच्चा यानी सच्चा स से 7 हो जाएगा, और च से क्या हो जाएगा, 4, यानी 7.4 किसके होते हैं, आंसू के पीएच मान होते हैं, आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद मानव लार की बात करते हैं, तो मानव लार का जो पीएच मान होता है 6.5 से लेकर 7.5, यानी मानव लार का जो पीएच मान होता है 6.5 टू 7.5 होता है मानव लार का। कैसे याद करेंगे, बहुत सिंपल है, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई रसगुल्ला रख दिया गया आपके सामने, तो क्या करेंगे लोग, चाहे वो 65 वर्ष के हो, चाहे 75 के हो, उसको खाते बिना नरा नहीं सकते, यानी 65 वर्ष के भी लोग खा सकते हैं, और 75 वर्ष के भी लोग खा सकते हैं। यानी मानव लार का पीएच 65 से हो जाएगा 6.5, और आपका 7.5 हो जाएगा 75 से, यानी मानव लार का पीएच मान कितना होता है 6.5 टू 7.5। नेक्स्ट बात करते हैं दूध का पीएच मान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4, बहुत सिंपल ट्रिक है, इजी याद हो जाएगा। दूध इस समय, दूध गाय का हो चाहे भैंस का हो, दूध कितना केजी है, 64 रुपये केजी। इस समय वर्तमान में दूध कितना है, 64 रुपये केजी है नहीं, आपको लिंक करना है, तो यानी दूध 64 रुपये मैंने बताया, तो 64 से क्या हो जाएगा 6.4, यानी दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4, बहुत सिंपल है।
ये नेक्स्ट है आपका सिरका, सिरका का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। कैसे याद करेंगे? यानी एक शब्द सिरके में आ रहा है, क्या रहा है? सिर आ रहा है, सिर आ रहा है, सिर से क्या हो जाएगा? सर हो जाएगा। यानी हमारा 24 घंटे में कितनी बार सिर दर्द किया? 3 बार। यानी सिरके का पीएच मान कितना होता है? 3 होता है। इसके बाद नेक्स्ट है शराब, शराब का पीएच मान कितना होता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शराब का पीएच मान होता है 2.8। कितना होता है? 2.8 शराब का पीएच मान। कैसे याद करेंगे? बहुत सिंपल ट्रिक है शराब का पीएच मान। जैसे कि दो लोग के ग्रुप में 8 लोग क्या कर रहे हैं? बैठ के शराब पी रहे हैं। दो लोग के ग्रुप में 8 लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं। यानी शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8। पॉपुलर क्वेश्चन है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। कैसे याद करेंगे? बहुत सिंपल लॉजिक याद हो जाएगा। जैसे हम मार्केट जाते हैं तो हम क्या करते हैं? 2 का जोड़ा नींबू लेते हैं। यानी 2 का जोड़ा कितना होगा? 4। हम बोलते हैं कि हमको 2 जोड़ा नींबू दीजिए, तो 2 का जोड़ा कितना होगा? 4। यानी 2.4 नींबू का क्या है? पीएच मान है। नेक्स्ट है समुद्र जल, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? 7.4। समुद्र का जल कितना होता है? 8.5 होता है। समुद्र का जल का पीएच मान कितना होता है? 8.5। कैसे याद करेंगे? बहुत सिंपल है। यानी समुद्र जल हमारे घर से कितना है? 85 किलोमीटर। हम नहीं जाएंगे समुद्र जल को देखने के लिए। आपका फ्रेंड कह रहा है चलिए समुद्र जल को हम देख कर आते हैं, तो आप बोलेंगे हमारे घर से 85 किलोमीटर है और 50 रुपया क्या लगता है? उसका ई रिक्शा का चार्ज लगता है, तो हम क्या करने नहीं जाएंगे। 85 से क्या हो जाएगा? 8.4। यानी समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। नेक्स्ट है आपका लास्ट है मानव मूत्र का पीएच मान। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? बहुत सिंपल है, 4.8 to 8.4। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4.8 to 8.4। कैसे याद करेंगे? यानी मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 4.8 to 8.4। कोई देखिए कोई चीजें अंधा नहीं लेनी, कैसे भी इसको याद करना है। जैसे कि हम दिन में आपका 24 आवर होता है, 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में लोग क्या करते हैं? कम से कम 2 बार टॉयलेट करते हैं। यानी 2 बार टॉयलेट करते हैं तो 2 से क्या हो जाएगा? 48। यानी 4.28 का 4.48 हो जाएगा। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? इसका 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 8 होगा। यानी 8.4 क्या होता है? मानव मूत्र का पीएच मान होता है। यानी 24 घंटे होते हैं, 24 में हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 4.8 हुआ। इसके बाद मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 8.4। इसके बाद रिपीट कर देते हैं आपका, बस लास्ट है। जल का मैंने बताया 7 होता है और नमक का होता है 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, आंसू का 7.4 मैंने बताया, मानव लार का पीएच मान 6.5 to 7.5, दूध का पीएच मान बताया 6.4 और सिरके का मैंने बताया 3। इसके बाद मैंने शराब का पीएच मान बताया 2.8, नींबू का मैंने बताया 2.4, समुद्र जल का मैंने बताया 8.5 और मानव मूत्र का 4.8 to 8.4। और मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रहा, आप कमेंट के माध्यम से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों प्रश्न ये, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? नोट करिए क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पे उसकी मृत्यु हो सकती है? तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए वो कौन सी पीएच वैल्यू होगी दोस्तों। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए जो मैंने आपको ट्रिक बताई कैसा लगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू। ओके बाय।